आइए आपको सीधे लिए चलते हैं उधमपुर। अंकित भट्ट देखिए आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। अंकित, वायुवीरों ने आज ऐसी हुंकार भरी है कि दुश्मनों के कलेजे कांप गए। इस वक्त क्या हो रहा है जरा बताएं। देखिए, अद्भुत तस्वीरें यहां से निकलकर सामने आई। उधमपुर में पहली बार किस तरीके से यहां पर एयर शो किया गया और उत्साह जो है युवाओं में, बच्चों में खास तौर पे देखने को मिला। यहाँ पर जो अलग अलग हेलीकॉप्टर्स हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं और यहाँ पर जो बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है। कई लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, यहाँ पर दिखाया जा रहा है जो तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं, ये चिनूक हेलीकॉप्टर है, उसके साथ साथ अपाचे हेलीकॉप्टर, अटैक हेलीकॉप्टर जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले के लिए रखा गया है और साथ साथ MI-17 हेलीकॉप्टर जो है वो यहाँ पर रखा गया है। ठीक मेरे सामने जो हेलीकॉप्टर है ये चिनूक है, इसकी खासियत काफ़ी अहम है। ये उन इलाकों में जाता है जहाँ पर हाई अल्टीट्यूड में जहाँ पर रोड तक नहीं होती। ये बैकबोन माना जाता है एयरफोर्स के लिए, क्योंकि जब भारतीय सेना को कहीं पर अपने जवानों को डिप्लॉय करना होता है या फिर जवानों को एक जगह से दूसरी जगह खास तौर पर हाई अल्टीट्यूड में लेकर जाना पड़ता है, तो उस समय इस चिनूक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी एक और खासियत मैं बता दूं, इस चिनूक हेलीकॉप्टर से आर्टिलरी तक जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाई जा सकती है। ना सिर्फ इस हेलीकॉप्टर के अंदर जवानों को ले जाया जा सकता है, बल्कि आर्टिलरी से लेकर आर्म्स एंड एमुनेशन जो है एक जगह से दूसरी जगह तक भी ले जाया जा सकता है। जो आप सामने देख रहे हैं 2019 में ये भारतीय वायुसेना का सबसे घातक हेलीकॉप्टर है जिसका नाम है अपाचे। 2019 में ये अपाचे बिल्कुल अंकित, और ये शानदार जानदार तस्वीरें आगे भी आप दिखाते रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे इस एयर शो को लेकर। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।